मैं दीक्षा पांडे, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस खास बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां नवाबगढ़ में बोरिंग का हुआ शुभारंभ। जी हां, खबर है उत्तराखंड से, जहां नवाबगढ़ व उसके आसपास के इलाकों में कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए नवाबगढ़ में बोरवेल लगाने के लिए विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के द्वारा विधि विधान से पूजा करके बोरिंग का शुभारंभ किया, जिसमें जयपाल सिंह चौहान एसडीओ और दरबान सिंह रावत, जाबिर मलिक, नवाब इकराम अली अहमद, सादाब सलमान, राहिल मोइन मोसिन व अन्य सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता सविता रानी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सविता रानी, फास्ट न्यूज इंडिया, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड से इस समय नवाबगढ़ के क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर पानी की समस्या से काफी लंबे समय से लोग जूझ रहे हैं। इस समस्या के निवारण के लिए विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के द्वारा बोरवेल लगाने के लिए यहां पर आज विधि विधान से पूजा करके बोरिंग का शुभारंभ किया गया है। आइए देखते हैं। ओम हरि ओम अहम संगदेवस्ते अपहंत पिता सन्मीर विश्रंतम स्वामी भाई जी जी यही पीछे आ जा चलो चलो सर पीछे ब्राह्मण संघवास बाहुरा जी ने कहा कि विशाल प्रधान शूद्र जाता शास्त्र सिर का पुरवा शास्त्र अक्षर शास्त्र पाठा सब मुनि सर्वत्र जाते थे संग लमा तो देव सर्व जल विद अंतर आत्मा में होता मैं तो सत्य सामने देते हैं ना प्रगति का मनुष्य महिमा तो जाया चकुर बहा थोड़ा बने इसी का ध्यान कर लीजिए ताकि हमारा जो कार्य है निर्वन का पूरक पूरा हो जाए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिलाय नागाननाय श्रीदेव विभूषराय गौरीशराय गणनाथ नमो नमस्ते वक्ता धन शंकराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुधाय सुरेश्वराय पटको ज्यादा हो गया। चलो भाई बढ़िया सा पानी निकल। किया है आपने पूजा पाठ करके, इससे कितने लोगों को फायदा मिलने वाला है? देखिए ये जो इधर हमारा नवाबगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पेयजल की काफ़ी गंभीर संकट है और इसी वजह से हमने यहाँ पर ये ट्यूबवेल को एक प्लान किया और आज उसका बोरिंग का शुभारंभ हुआ है। आप देख रहे हैं रिग मशीन लगी हुई है, गढ़वाल जल संस्थान हमारा जो है वो इसकी बोरिंग करा रहा है, रिग मशीन वगैरह सब लग गई है, बोरिंग प्रारंभ हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं। वैसे
ग्राउंड वाटर के साथ कई बार बहुत सारी सिचुएशन बनी रहती है, अभी ज़मीन के नीचे कोई चट्टान ना निकल आए, कोई बोल्डर ना निकल आए, उस तरह की सिचुएशन थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। नहीं तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर हमारा बोरिंग पूरा हो जाएगा, यदि जो नीचे का स्टेट आए वो ठीक ठाक रहा। लेकिन किसी भी हालत में 20-25 दिन में तो हर हालत में हमारा बोरिंग पूरा हो करके और उसके बाद बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन करके और हम सप्लाई देना शुरू कर देंगे। जो बाकी जो कुछ और चीज़ें होती है, ओवरहेड टैंक वगैरह के, वो तो समय समय के साथ हम प्लान करते रहते हैं, लेकिन जो ऑगमेंटेशन है पाइपलाइन के अंदर पानी का, वो तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र हमारा नवाबगढ़ और अड़ोस पड़ोस का, यहाँ पर जो पीने के पानी की किल्लत है उससे लोगों को निजात मिल जाएगी। और पीने के पानी के समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर मैं एक अभियान चलाए हुआ हूँ। जैसे आज यहाँ पर हम एक ट्यूबवेल लिए अभी बोर करा रहा हूँ, जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि अभी जीवनगढ़ के नाम से, जिसमें 6 पंचायतें हैं, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना 65 करोड़ रुपए की योजना, वो भी स्वीकृत हो चुकी है, उसके भी टेंडर हो चुके हैं, टेक्निकल इवेल्युएशन हो चुका है, बहुत जल्दी हम उसको भी प्रारंभ करने की स्थिति में होंगे। इसी प्रकार से अनेकों जगह पर मैं ट्यूबवेल वगैरह का निर्माण करा रहा हूँ। अभी हमने ढकरानी में कराया, अभी हमने यहाँ पर केदारावाला में अभी एक सिंचाई विभाग का ट्यूबवेल है, फिर कुछ जगह हम सिंचाई विभाग और जल निगम और जल संस्थान को भी आपस में टाई अप करके, उनका आपस में MOU करा करके, एक दूसरे विभाग से भी, विशेष रूप से सिंचाई विभाग से हम कई बार पेयजल की आपूर्ति कराने के लिए भी उन लोगों से MOU करके सुनिश्चित करते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर मैं अपने इस क्षेत्र में लोगों को पीने के पानी की किल्लत नहीं होने दूंगा, ये मेरा लक्ष्य है।